हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल और हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान यूनिवर की जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है और जिसका मार्केट कैपिटल है 5.46 ट्रिलियन का जी हाँ ये बहुत ही बड़ी कंपनी है और अगर आप एफएमसीजी सेक्टर में देखें तो हिंदुस्तान यूनिवर मार्केट लीडर कहलाता है अगर आप इस स्टॉक को ट्रैक कर रहे होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि ये अक्टूबर मंथ uh, से यहाँ से कंटिन्यूस डाउनफॉल दिखा रहा है तो हम इसके चार्ट एनालिसिस में देखेंगे कि ये और गिर सकता है यहाँ से ये रिवर्सल के साइन देने वाला है उसके पहले हम देखते हैं इसका फंडामेंटल तो देखिए इसका पी रेशियो है 68.35 का जो कि ऑन एन एवरेज बाइंग से थोड़ा ज़्यादा है मतलब ये थोड़ा बहुत ओवरबोर्ड सिचुएशन में यहाँ पर दिखाई दे रहा है अगर हम इसके कंपनी के ब्रांड देखें तो ये देखिए यहाँ पे इतने सारे ब्रांड्स हैं जो हमारे डेली यूज में आ, हम लोग इस्तेमाल करते हैं अगर हम यहाँ पे इसका एनालिस्ट का रेटिंग्स देखें तो ऑलमोस्ट 81 वन परसेंट एनालिस्ट यहाँ पे कह के चलते हैं कि आप यहाँ पे इस स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं और अगर आपका एक साल का नज़रिया है तो आपको ये 3,249 का हाई दिखा सकता है अब देखिए इसका अगर हम फाइनेंशियल में देखेंगे तो यहाँ पे जो इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ है जो ऑन एन एवरेज होना चाहिए होता है 7.64 का लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर का है 7.77 परसेंटेज जो कि अच्छा खासा हायर है अगर हम ये मार्केट शेयर देखें तो ये बढ़ के नाइन्टी से बढ़कर हो गया है 95.5 परसेंटेज ये भी बहुत अच्छी बात है अगर हम इंडस्ट्री नेट इनकम का देखें तो ऑन एन एवरेज होना चाहिए होता है 14.17 और अभी यहाँ पे है हिंदुस्तान यूनिलीवर का फोरटीन यानी कि यहाँ पे कम पड़ रहे हैं जीरो वन सिक्स परसेंटेज से जो कि बहुत ही मिनिमम है अगर अगर हम इसका फाइनेंशियल ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो देखिए फाइनेंशियल ईयर 2018 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2021 तक इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी खासी हुई है और ये हमको यहाँ पे दिखाई देता है जैसे कि इनका टोटल रेवेन्यू 2018 में इसका रेवेन्यू था 36016 जो कि अभी बढ़कर हो गया है 46555 अगर इसका एबिटा अगर हम देखें तो वो था 7852 का जो अभी बढ़कर हो गया है 11796 अगर हम इसका नेट इनकम देखें तो वो भी देखिए 5214 से ये बढ़कर हो गया है 7995 का तो देखिए इसका फाइनेंशियल ग्रोथ या फिर ऑन एन एवरेज मार्जिन यहाँ पे प्रॉफिट्स है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम ट्रैक करते हैं तो वो कंटिन्यूसली बढ़ते ही जा रहे हैं जो कि कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है अब हम देखते हैं इसका शेयर होल्डिंग तो देखिए यहाँ पे अराउंड 61.9 परसेंटेज जो है वो प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे है और यहाँ पे डी ने बाय करके रखा है 7.41 परसेंटेज और एफ भी यहाँ पे 15.45 परसेंटेज की शेयर होल्ड करके रख रहे हैं यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो स्टेबल है लास्ट आ, कुछ मंथ से जो कि यहाँ पर अच्छी बात है अब हम बात करते हैं न्यूज़ में तो न्यूज़ में देखिए अभी आज की ही न्यूज़ आई है कि डिस्ट्रीब्यूटर इन महाराष्ट्र बॉयकॉट हल प्रोडक्ट्स रीज़न क्या है क्यों इन्होंने बॉयकॉट के आ, कुछ प्रोडक्ट्स बॉयकॉट करके रखे तो देखिए अभी इनका कहना क्या है जो एफ एम से जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं महाराष्ट्र में वहाँ पे दो टाइप के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं एक तो ये ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर और दो दूसरे जो है ऑर्गेनाइज बिजनेस टू तो बिज़नेस डिस्ट्रीब्यूटर मतलब कि जो ऑनलाइन परचेसिंग करते हैं ऑनलाइन हम लोग शॉपिंग करते हैं वो टाइप से मतलब यहाँ पे हमारे हमें हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट आप एक तो शॉप में जा सकते हैं वहाँ से परचेस कर सकते हैं या तो फिर ऑनलाइन परचेसिंग कर सकते हैं अब यहाँ पे जो ट्रेडिशनल uh, डिस्ट्रीब्यूटर uh, है मतलब जो शॉप वाले uh, टाइप के जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनका कहना ये है कि उनको जिस रेट पर इनको ये इनका ये माल मिलता है वो रेट ऑनलाइन जो मिलता है उससे थोड़ा महंगा है तो उनका कहना है कि उनको भी उसी रेट में ही इनको ये सारे गुड्स मिलने चाहिए जैसे कि ऑनलाइन पे मिलता है मतलब दोनों के रेट थोड़े डिफरेंट है और वो डिफरेंट नहीं होने चाहिए ये ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर का कहना है लेकिन इस पर अगर हम आ, जो एच यूएल के जो स्पोकर मैन हैं उन्होंने कहा है कि ऐसे कोई बात नहीं है हर किसी का अपना ऑर्गेनाइज वे है और जिस तरीके से वो स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर uh, है डिस्ट्रीब्यूटर का उसी तरीके से वो लोग उनको गुड्स प्रोवाइड करते हैं लेकिन यहाँ पे जो uh, uh, जो फेडरेशन है उन्होंने निगोशिएशन के लिए हलको कुछ uh, Uh, उन्होंने बा, उनसे बात करने के लिए निगोशिएट करने के लिए उनको कहा था और उनको एक हफ्ते का नोटिस दिया था कि एक हफ्ते के नोटिस में आप हमको रिस्पॉन्ड कीजिए और ये जो भी इशू चल रहा है इसको सॉर्ट आउट करने के लिए वैसे तो उनका कहना है कि जितने भी एफ डिस्ट्रीब्यूटर है उनका तो रिस्पॉन्स आ गया है लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर का कोई रिस्पॉन्स आया नहीं इसीलिए उन्होंने कह दिया है कि अभी एक जनवरी से ये लोग जो नेस्ले का जो प्रोडक्ट है वो महाराष्ट्र में बॉयकॉट करने वाले हैं तो यहाँ पे जो एचल का रिप्रेजेंटेटिव है, उनका ये कहना है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है वो कंटिन्यू करेगा अपना नया इनिशिएटिव विद एन ऑब्जेक्टिव टू तो हेल्प स्केल अप बिजनेस फॉर डिस्ट्रीब्यूटर एंड स्ट्रेंथन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये लोग हेल्प करेंगे जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनका जो ऑब्जेक्टिव है कि कंज्यूमर तक ये सारे गुड्स पहुंचे उसमें वो हेल्प करेंगे लेकिन वो जो प्राइस जो डिफरेंस है उस पर अभी तक उनका कोई भी रिस्पॉन्स आया नहीं वही एक रीज़न है जिसकी वजह से अभी ये महाराष्ट्र में बॉयआउट हो चुका है ठीक है ये थोड़ा निगेटिव न्यूज़ है हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए अब हम देखते हैं रिकमेंडेशन में तो अगर हम एक्सेस सिक्योरिटीज़ का रिकमेंडेशन देखें तो उनका कहना है कि आप यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं टारगेट है 2565 का और इनका नज़रिया नौ महीने का है ये टारगेट अचीव करने के लिए और उनके हिसाब से आ, उन्होंने बताया कि फाइनेंशियल में इनका जो कंसोलिडेटेड टोटल इनकम है वो अराउंड 6.84 परसेंटेज से बढ़ा है और जो टोटल इनकम है वो अराउंड 11.23 परसेंटेज से बढ़ा है और इसमें जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो 61.9 जो हमने ऑलरेडी कवर करके रखा है तो इन्हीं सब चीज़ों को लेते हुए इन्होंने इसके टारगेट बताए हैं अब देखिए हम देखते हैं चार्ट में तो चार्ट में अगर हम देखें तो ये देखिए ये है मंथली चार्ट तो मंथली चार्ट में अगर आप देखते हैं तो देखिए अगर यहाँ से हम देखें 2017 से लेके अभी तक ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में ही ये है मतलब अगर किसी ने यहाँ पे 2017 से अगर बाय किया है तो अभी तक ये स्टॉक अराउंड 850 से लेके पहुँचा है 2005 मतलब इसने हाई दिखाया था अराउंड 2846 का और अभी ये चल रहा है 2300 के आसपास ठीक है अब हम डेली चार्ट में देखते हैं तो डेली चार्ट में क्या हो रहा है <coughs> तो देखिए यहाँ पे जब इसने 2860 का हाई लगाया वहाँ से हमने एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनाई है और वहाँ से ही कंटिन्यूसली यहाँ पे गिरावट हमको नजर आ रही है तो देखिए जब और यहाँ पे हमने ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनाई है ये वाली सपोर्ट ट्रेंड लाइन है तो जब तक ये सपोर्ट के सहारे चल रहा है वहाँ तक हमें डरने की कोई बात नहीं है अब देखिए ये है अपना रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन और यहाँ पे जो है वो है अपना सपोर्ट ट्रेंड लाइन ठीक है अब यहाँ पे उसने एक बार सपोर्ट ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक कर दी थी लेकिन यहाँ पे जो सपोर्ट है अपना 2231 का यहाँ से उसने बाउंसबैक दे दिया और फिर से ये अभी इसकी क्लोजिंग हुई है नियर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन लेकिन जब तक ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ब्रेक करके यहाँ पे सस्टेन नहीं करता इसमें अप uh, ट्रेंड आने के चांसेस कम हैं क्योंकि होगा क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है यहाँ पे फिर से हिट करके जितने सारे लोग यहाँ पे अटके हुए हैं वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे या फिर उनके प्राइस टू प्राइस अगर निकलता है तो स्टॉक वहाँ से हटा देंगे क्योंकि यहाँ से अभी अप ट्रेंड का ज़्यादा साइन नहीं दिखाई दे रहा है तो होगा यही कि यहाँ पर जब भी आएगा तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आएगा और ये फिर से स्टॉक नीचे गिरने लगेगा तो अभी के लिए अगर आप एक हफ्ते का नज़रिया दे लेके चल रहे हैं तो इसने 2,231 का ये जो सपोर्ट है ये ब्रेक नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर ये यहां से ब्रेक करता है तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है 2,131 का ठीक है अभी अगर हम देखते हैं कि यहां पे देखिए यहां पे अगर हम देखते हैं तो ये यह देखिए यहां पे है सपोर्ट एक आ, ये एक सपोर्ट है और दूसरा जो सपोर्ट है हमारा यहाँ पे जो है 2131 का ठीक है और अगर ये यह यहाँ से हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है अगर यहाँ से गिरता है तो हमारा सपोर्ट पे आएगा 2231 का अगर ये भी टूट जाता है तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है 2131 तो यहाँ पे हमारे पास बैक टू बैक सपोर्ट है तो ये सस्टेंट करने चाहिए और अगर हम अप ट्रेंड में देखें तो ये अगर रेजिस्टेंस ये तोड़ता है टू एटी का तो उसके बाद हमारे पास इमेजियट टारगेट है टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड का लेकिन जिस तरीके की न्यूज़ आई है जो महाराष्ट्र में अभी इनके जो प्रोडक्ट बॉयकट हो गए हैं तो उसकी वजह से थोड़े बहुत यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ सकता है और उसकी वजह से ही यहाँ पर हमें थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी दिख सकता है लेकिन एज लॉन्ग एज ये सपोर्ट टू के ऊपर ट्रेंड कर रहा है यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है ठीक है अब देखिए ये जो एफ एम सेक्टर का जो मार्केट लीडर है बहुत सर बहुत बार ऐसा होता है कि हमको यही कहा जाता है कि जब भी मार्केट गिरता है आपके पास ऐसे स्टॉक होने चाहिए जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो और जो मार्केट लीडर हो ना कि वीक स्टॉक क्योंकि होता क्या है वीक स्टॉक जो भी होते हैं जब भी मार्केट गिरता है वो बहुत बुरी तरीके से गिरते हैं और जब मार्केट भागने लगता है तो वो स्टॉक भागते नहीं हैं अभी देखिए एक दो महीने से जिस तरीके से एफ सेलिंग हो रही है और जिस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी गिर रहा है बहुत सारे स्टॉक जो है वो 52 वीक लो पे भी दिखा रहे हैं लेकिन जैसे मार्केट यहाँ से रिवर्स ट्रेंड कर देगा निफ्टी बैंक निफ्टी जैसे एफ़ आई की सेलिंग थम जाएगी और वैसे भी अभी प्री बजट रैली होने बजट अभी जो फेब के फर्स्ट वीक में आने वाले हैं उस तरीके से यहाँ पर अगर कुछ अच्छी न्यूज़ आती है बजट में तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों भागने लगेगा और उसी के साथ में जितने भी स्ट्रॉन्ग सेक्टर है वो भी भागेंगे तो अब यहाँ पर होगा कि जितने भी जो स्ट्रोंग स्टॉक हैं वो ज्यादा तेजी से भागेंगे जबकि जो वीक स्टॉक हैं वहां से वो जरूरी नहीं कि वो बहुत अच्छे से बाउंस बैक दे पाएंगे तो इसलिए आपके पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक होने चाहिए जो स्ट्रोंग सेक्टर में से हो जो लीडर uh, हो ना कि जो वीक सेक्टर से हो और जो बहुत ही वीक है जो क्योंकि वो गिरावट में भी इतना ज्यादा भागते नहीं हैं वो मे भी हो सकता है कि गिरावट में गिरे है लेकिन जब तेजी आती है तो वहाँ पर कंसोलीटेट होंगे वो वही के वहीं मतलब यहाँ से गिरते वक्त मार्केट गिर, जब गिर रहा है तो इस फॉलिंग में दिखाएंगे और जब मार्केट यहाँ भाग रहा है तो लेकिन यहाँ पे कंसोलिटेशन यह में ही रहेगा लेकिन जब आप स्ट्रांग सेक्टर से कोई आ, स्टॉक पिक करते हैं तो वो गिरते वक्त मार्केट के साथ गिरता है लेकिन जब मार्केट भागने लगता है तो वो मार्केट के साथ भी वो उतना ही बड़ा बाउंस बैक देता है और जिस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंटिन्यूसली अप ट्रेंड ही दिखा रहा है अगर यहाँ पे ये इतना बड़ा फॉल दिखाता है तो ये एक काइंड kind ऑफ of अच्छा गिरावट है यहाँ पे ये एक काइंड ऑफ हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग या फिर हेल्दी करेक्शन माना जाता है क्योंकि जब ये इसके बाद ये करेक्शन ये ओवर हो जाएगा तो उसके बाद जब ये भागेगा तो ये जो हाई है इसको भी तोड़ के ये आगे उसके आगे और ऊपर जाने की क्षमता रखता है लेकिन यहाँ पर अगर आपका लंबे नज़र का रखते हैं न, न, लंबे नजरिए का आपका अगर निवेश है तो यहाँ पे आपने बने रहना चाहिए ना कि डरना चाहिए और अगर आपने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया है तो देखिए स्ट्रॉन्ग सेक्टर हमेशा हम लोग बोलते हैं कि ये तो अभी बहुत ऊपर आ गया है अभी तो बहुत महंगा है अभी नहीं ले सकते हैं लेकिन जब देखिए जब वो आठ सौ था तब भी महंगा था हज़ार का था तब भी महंगा था अब दो है तब भी महंगा है तो जब जब तक हम इसमें अपसाइड नहीं देखते हैं तब तक हमें इस प्राइस मतलब इसके जो स्टॉक का जो प्राइस है उसका हमें रियलाइजेशन नहीं होता है कि ये कहाँ पे महंगाई है तो अगर आपने इसमें निवेश नहीं किया है तो यहाँ पे आपके लिए अच्छा खासा मौका है कि आप यहाँ पे सिप में इन्वेस्ट कर सकते हैं मतलब देखिए अभी आपको यहाँ पर अगर गिरावट दिखाई देती है तो यहाँ पर आप कुछ अमाउंट अगर आपको हंड्रेड इसके स्टॉक uh, क्वांटिटी अगर खरीदनी है तो सौ की जगह पर आप यहाँ पे थर्टी से स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे थर्टी और अगर यहाँ पे गिरता भी है उसके बाद यहाँ पे तो यहाँ पे आप फिर से ट्वेंटी के आसपास ऐड कर सकते हैं और उसके बाद जब ये रिवर्सल साइन दिखाई देता है तो जब तक इसमें रिवर्सल साइन नहीं दिखाई देता है या तो फिर आप उसमें ऐसे कर सकते हैं कि जब तक रिवर्सल साइन नहीं दिखाई दे रहा है तब तक आप इसमें इन्वेस्ट मत कीजिए और जब ये सेटल हो जाएगा जिस तरीके की न्यूज़ है उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर का उस पर क्लरिफिकेशन भी आ सकता है, अगर वो क्लैरिफिकेशन आता है और उसकी वजह से इस स्टॉक में स्ट्रेंथ दिखाई देती है तो उसके बाद भी आप उसको बाय कर सकते हैं ठीक है uh, तो ये तो मेरा पर्सनल व्यू है कि जितने भी स्ट्रांग सेक्टर्स हैं उसमें आपने निवेश करना चाहिए ना कि बल्क निवेश करना चाहिए उसमें थोड़ा थोड़ा माहौल उसमें मंथली बेसिस पर आप उसमें ऐड करते रहना चाहिए तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में थैंक यू सो मच